केएफसी चिकन बनाने के लिए चिकन को अच्छे से धोकर बीच पे से कट लगाकर मसाला डालेंगे, नमक, मिर्च, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, आमचूर पाउडर और नमक, थोड़ा सा विनेगर, आधा नींबू निचोड़ कर डाल दें। अच्छे से मिक्स कर आधे घंटे के लिए रख दें रेस्ट करने के लिए। आधी छोटी चम्मच पीसी चीनी भी डाल दें गाइस, मैं पहले बताना भूल गई थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दें। मैदा लें, उसमें आधा चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर चिकन के पीसेस को डालकर अच्छे से कोट कर लें। ठंडे पानी में डालें। अब निकाल लें पीसेस को, बस डिप करना है, इतना ही डालना है। फिर इसे वापस से मैदे में कोट करेंगे। हाथों से अच्छे से मसल मसल कर मैदा लगाएं इस पर। एक्स्ट्रा मैदा झाड़कर गरम तेल में फ्राई कर लें। मैं यहाँ सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। चिकन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये गाइस कलर भी काफी अच्छा आ चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैं यहाँ दो तरीके से बना रही हूँ। पहले मैंने मैदे में सिर्फ नमक डाला था, अब दूसरे बैच में मैं नमक और पीसी मिर्च डालकर अच्छे से कोट कर रखा है। इसे गाइस कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। गरम तेल में फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। होममेड चिकन केएफसी रेडी है, एकदम क्रिस्पी एंड जूसी। देखिए मैं आपको एक पीस कट करके दिखा रही हूँ, तोड़कर अच्छे से गल चुका है अंदर से। केएफसी चिकन रेडी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट।